दोस्तों, मैं अमेजोन पर कुछ प्रोडक्ट परचेज करने के लिए या फिर देखने के लिए हम कुछ इस तरीके से सर्च कर ही रहे थे कि हमें सामने में एक बॉस ब्रांड का एक बैटरी चार्जर मिल गया और इसे हमने परचेज भी कर लिया, ऑर्डर कर लिया और हमारे वर्कशॉप तक आ भी चुकी है। तो मैं एक बाइक मैकेनिक हूँ, टू व्हीलर वर्कशॉप है हमारा, तो बैटरी चार्जर की हर किसी को ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो मेरे पास भी एक बैटरी चार्जर है जो कि वो ऑटोमेटिक नहीं है और ये है ऑटोमेटिक। तो हमारे पास जो बैटरी चार्जर है, हमने इससे पहले भी एक वीडियो बना रखा है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर वो मिल जाती है, वो खुद से बना कर देते हैं या फिर बना बनाया भी आ जाता है, तो वो हमारे पास है। वो ऑटोमेटिक नहीं है और ऑटोमेटिक नहीं होने के कारण मैं जब उस चार्जर को लगाता हूँ बैटरी चार्ज के लिए, तो मुझे एक से डेढ़ घंटे में हमें खोलना पड़ जाता है। अगर नहीं खोलेंगे तो बैटरी फूल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है या फिर चार्जर का सर्किट ख़राब हो सकता है। तो हमने ये देखा, इसका ऐड जो देखा अमेजोन पर, तो हमने इसे परचेज कर लिया। ये बॉश का C3 मॉडल है, ये C3 मॉडल है जो कि ऑटोमेटिक बैटरी को चार्ज करता है। और ये किस तरीके से काम करता है आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अभी हमने इसका अनबॉक्सिंग कर दिया, अनबॉक्सिंग करते हुए मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, तो ये अनबॉक्सिंग दिखाना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं, जो ज़रूरी मेन चीज़ होता है वो हम आप लोगों को दिखाना जा रहे हैं। यहाँ पर माइनस प्लस रेड और ब्लैक दो वायर मिलता है, अलग से आपको ये भी मिल जाता है। ये देखिए, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लगाते हैं, इस साइड से नज़दीक कर दिखा जरा, इसको यहाँ पे लगाते हैं, दोनों वायर इस तरीके से लग जाता है और दोनों चुट्टा अलग अलग मिल जाएगा, जो कि चुट्टे को आप इस तरीके से इसका नट जो है आप टाइट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से इसमें दिया हुआ होता है और इसको आप इस तरीके से कनेक्ट कर लीजिए। इसका खास फीचर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस चार्जर का एक खास फीचर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जब इस चार्जर को आप वहाँ पे लगाएंगे, इसे बोर्ड में जब आप लगाते हैं और माइनस प्लस अगर टच भी हो जाता है इस चुट्टा का, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये देखिए, हमने इसे लगाया, इसे मैं खोल देता हूँ, एक बार लगा दिया और यहाँ से बटन को हम ऑन करते हैं। अभी हमने ऑन किया तो ये डायरेक्ट इसमें लाइट आ चुकी है। देखिए, थोड़ा दूर से देखा तो ये डायरेक्ट इसमें लाइट आ गई है। मोड बटन यहाँ पे लिखा हुआ था, मोड बटन है। बाकी फिर यहाँ पे सारा चीज़ देख सकते हैं क्या क्या मिलता है हमें। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिम्बॉल जो होता है कि अगर आपने गलती से वायर गलत लगा दिया, उल्टा सीधा लगा दिया, चुट्टे को माइनस को प्लस में लगा दिया, इस तरह कर दिया, तो ये सिंबल जलेगी, ये लाइट जलेगी, ठीक है। और ये ओके लाइट जो है कि बैटरी फुल चार्ज हो गई है तो ये ओके दिखाएगा, और ये चार्जिंग के लिए चार्ज हो रहा है तो ये यहाँ पे बिलिंग करेगा। और ये 6 वोल्ट, अगर 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक दिया हुआ है, 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट, 6 वोल्ट अगर बैटरी है तो 6 वोल्ट शो करता है और 12 वोल्ट बैटरी है तो 12 वोल्ट शो करेगा, यानी कि 6 से ऊपर 7-8 वोल्ट अगर शो कर रहा है, 7 वोल्ट 8 वोल्ट शो कर रहा है, तो समझे कि 12 वोल्ट पे आपको बिलिंग शो करेगा। यहाँ पे बाइक का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे कार का सिंबल दिया हुआ है, और ये AGM एक सिंबल है जो कि इसकी जानकारी हमें नहीं है, ठीक है। तो कार की इस बैटरी और बाइक की बैटरी दोनों आप मतलब चार्ज कर सकते हैं इसके द्वारा। इसके साथ ही यहाँ पे एक बुक मिल जाता है, ये सब आप लोगों को पढ़ना होगा किस तरीके से चेक किया जाता है, हर चीज़ इसकी जानकारी है इसमें। और ये एक खुट्टी मिल जाता है पीछे लगाने के लिए, ठीक है, ये कड़ी मिल जाता है। और इसके साथ ही गाइस, यहाँ पे एक बुक आया, वो बहुत बड़ा बुक है इसका, देखिए कितना मोटा बॉश का ये बुक है। इस बुक में सारा सिस्टम दिया हुआ है, इसको पढ़ने का तरीका दिया हुआ है, चलाने का तरीका दिया हुआ है, सारा चीज़, ठीक है। और इसका ये इस तरह का बॉक्स आता है, ये पूरा बॉक्स है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये इसका पैकिंग दिखाता हूँ। तो बॉश का जो पैकिंग उस तरीके से होता है। इसका MRP रेट है 3121 रुपये, 3121 रुपीस इसका MRP है, और हमें इसका 2831 रुपीस लमसम में हमें इसका पड़ा है। ऑनलाइन इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बैटरी चार्जिंग करके दिखाता हूँ कि चार्ज कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हमने इसको अभी लगाया तो कोई भी लाइट नहीं जल रहा है। ये देखिए, इसमें कोई भी लाइट नहीं जल रहा है। और हमारे पास ये देखिए मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर से हम ये चेक करेंगे कि यहाँ तक करंट आया कि नहीं आया। ये देखिए, मैंने प्लस को इधर लगा दिया और माइनस को इधर लगा दिया,
तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि मल्टीमीटर में कुछ भी शो नहीं कर रहा है, कुछ भी करंट शो नहीं कर रहा है। तो इस जगह आप कंफ्यूज जाएंगे, भाई यहाँ तक करंट ही नहीं आ रहा तो बैटरी को कैसे चार्ज कर पाएगा, बैटरी को कैसे चार्ज कर पाएगा। तो गाइस आपको बताना चाहेंगे ये काम किस तरीके से करता है। जैसा मैंने कहा कि ऑटोमेटिक है, तो मान के चलो हमारे पास ये बैटरी है, ये देखिए, देखते हैं इसमें कितना चार्ज है। पहले यहाँ से चेक करते हैं मल्टीमीटर से, इसमें 6 वोल्ट चार्ज है, देखिए 6 वोल्ट चार्ज है। इसमें 5 वोल्ट है, चलो इसे चेक करते हैं, 6 वोल्ट चार्ज है। तो इसको हम लगाते हैं माइनस और प्लस में, ये हमने माइनस लगा दिया और ये हमने प्लस लगा दिया। देखिए गाइस जैसे ही हमने इसको लगाया, झलकाई रहा दोनों झलकाई जो, जैसे ही मैंने माइनस प्लस शूटर लगाया तो यहाँ पे ये लाइट आ चुकी है। ये जो है मोड बटन का जो कलर है, लाइट कलर, ये अलग हो गया, ग्रीन टाइप का हो गया। ये 6 वोल्ट शो कर रहा है और ये ओके कंडीशन में दिखा रहा है, यानी कि इस मशीन को ये पता चल रहा है कि बैटरी आपने 6 वोल्ट का ही लगाया, 6 वोल्ट का ही लगाया और बैटरी फुल चार्ज है। और देखिए हमने जो बैटरी लगाई है 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है। तो ये बैटरी खैर ख़राब है, इससे जो है सेल्फ नहीं उठा रहा था, तो हमने इसको चेंज किया है। तो मैं जानता हूँ कि बैटरी ठीक ठाक नहीं है, ये बैटरी ख़राब हो चुकी है। अब मान के चलो बैटरी ख़राब नहीं है और आपको पता चले भाई बैटरी मतलब डाउन हो गया किसी भी वजह से, सेल्फ पर दबाया आपने, काफ़ी बार सेल्फ पर दबाया, कोई लाइट जला के रखा है आपने और बैटरी डाउन कर गई है, तो अगर 6 वोल्ट चार्ज है तो उस हालात में भी ये मशीन क्या करता है कि आगे चार्ज के लिए सप्लाई नहीं कर पाएगी वोल्ट को। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास न्यू बैटरी है, न्यू बैटरी मैं चेक करता हूँ जो कि इसमें पूरा 12 वोल्ट है। देखिए हमारे पास ये 12 वोल्ट वाला पूरा बैटरी है, तो इसको हम एक बार चेक करते हैं, फिर हम बात करते हैं कि ये आपको चार्जर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इधर देखो, यहाँ देखो नज़दीक में, ये देखिए जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा, इसे लगाता हूँ तो इधर दिख रहा है ना, तो ये देखिए गाइस, इसको हमने लगाया, ये ऑटोमेटिक अभी नहीं ले सका है, तो मैं मोड बटन को दबाऊंगा। फिर के आपको कभी कभी ये बटन दबाना भी पड़ सकता है, तो इस बटन को हमने दबाया तो देखिए ये कह रहा है ये मशीन की ये 12 वोल्ट का बैटरी है और ये बाइक का बैटरी है, ये सिंबल दे रहा है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट चार्ज कम है तो ये चार्ज किया और फिर ओके भी कर दिया। ये देखिए अभी ये चार्ज हो रहा था यहाँ से और ये ओके कर दिया, यानी कि ये बता रहा है कि बैटरी फुल चार्ज है, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है, 12 वोल्ट फुल चार्ज है, इससे ज़्यादा चार्ज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा गाइस कि जब मैं बैटरी को इसमें बैटरी के पोल में जब चुट्टा को लगाता हूँ तभी ये चार्जिंग के लिए आगे शो करता है, तभी आगे बढ़ता है, यानी कि ये पहले ये डिटेक्ट करता है कि बैटरी सही है या नहीं है। अगर सही होगा, चार्ज होगा कुछ भी, तभी ये इधर अंदर खींचेगा, उसके बाद ये फिर चार्जिंग आगे देगा। मान के चलो आपकी बाइक का बैटरी बिल्कुल अच्छा है, नया है, और आपने किसी भी वजह से लाइट जलाया या फिर हॉर्न बजाते बजाते बैटरी लो हो गई, 12 वोल्ट का बैटरी है और वो 10 वोल्ट हो गया और सेल्फ नहीं ले रहा है, तो उस हालात में आप इस चार्जर को लगाकर बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, बैटरी चार्ज हो जाएगी और चार्ज होने लगेगी। ठीक है, और अगर बैटरी आपका 12 वोल्ट का है और 6 वोल्ट हो गया है तो फिर ये चार्ज नहीं उठा पाएगा। तो इसके लिए आपको वो जो साधारण बैटरी चार्जर होता है जिससे कि डायरेक्ट करंट देता है, उससे एक बार आपको चार्ज करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो है 6 वोल्ट से लेकर 7 वोल्ट या फिर 8 वोल्ट तक आपको उसका उससे चार्ज करना होगा, तभी फिर आप इसको चार्ज कर पाएंगे इस मतलब चार्जर से। ठीक है, तो इसमें यही कमी है कि अगर 6 वोल्ट से कम, यानी कि इसमें यही कमी है कि अगर 7 वोल्ट से कम बैटरी चार्ज रहेगा तो ये चार्ज नहीं कर पाएगा, इसको लगेगा कि नहीं 6 वोल्ट का ये बैटरी है और बैटरी खराब है, क्या है नहीं है उसकी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दे पाएगा, क्योंकि बैटरी खराब के बारे में यहाँ पे कोई भी लाइट दिया ही नहीं कंपनी ने। ये खैर देना चाहिए कंपनी को, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती है उनकी, इस जगह देना चाहिए।
बैटरी सही है, और वो भी अगर 6 वोल्ट हो गया, 7-8 वोल्ट नहीं है तो उसे भी चार्ज नहीं कर पाएगा, तो हम इसकी जानकारी कैसे लेंगे भाई? ये फिर हमें खुद से सोचना पड़ेगा, खुद समझना होगा। तो इसके लिए हमें 2 चार्जर रखने की ज़रूरत पड़ेगी, एक ये वाला और दूसरा डायरेक्ट चार्ज करने वाला। तो दोनों चार्जर अगर आप रखते हैं तो दो फायदा क्या होगा कि उससे थोड़ा चार्ज कर लीजिए, फिर इसको इस बैटरी को आप इसमें लगा दीजिए, क्योंकि तो ऑटोमेटिक 12 वोल्ट चार्ज करके फिर ये डिसकनेक्ट कर देगा, यानी कि आगे चार्ज नहीं कर पाएगा। और अगर आप डायरेक्ट चार्जर रखते हैं जो डायरेक्ट चार्ज करता है, तो उससे क्या होता है कि आगे बैटरी ख़राब होने का खतरा होता है। तो हमने बस इसमें यही देखा गाइस कि बैटरी चार्जर तो ठीक ठाक है, ये बॉश का है, बढ़िया है मैं मानता हूँ, लेकिन ये 6 वोल्ट अगर बैटरी चार्ज रहेगा तो फिर बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा। 6 वोल्ट से अधिक है, 7-8 वोल्ट है, तभी बैटरी चार्जिंग के लिए कनेक्ट कर पाएगा और बैटरी चार्ज हो पाएगी। तो इसका कीमत मुझे 2800 कुछ रुपये लगा है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो वैसे ले सकते हैं, कार्स के लिए, बाइक्स के लिए, दोनों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। या फिर आपने कोई भी किसी भी मकसद से बैटरी परचेज किया है बजा बजाने के लिए, तो उसके लिए भी आप इस बैटरी चार्जर को ले सकते हैं। जैसे कि डेली आपने यूज किया बजा बजाने के लिए, 12 वोल्ट फुल चार्ज किया और 2-3 वोल्ट घट गया, तो फिर आप इससे चार्ज कर सकते हैं और बिल्कुल आराम से चार्ज पे लगा के सो जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो खैर हमें तो बस इस वीडियो में आपको जानकारी देना था कि ये चार्जर कैसा है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, खुद आप डिस्कस कर सकते हैं। ये कुछ इसी तरीके से काम करता है, तो अभी भी ये फुल चार्ज है और आगे ये चार्ज नहीं कर रहा है। ठीक है, आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें, और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। कोई भी चार्जर अगर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लिंक के द्वारा आप चार्जर को ले सकते हैं। थैंक यू।